इन दोनों को मिक्स करके ऐसा जादुई फार्मूला बनेगा जो अगर आपकी स्किन में कोई एलर्जी है या फंगल इन्फेक्शन है उसको तो ख़त्म करेगा, साथ ही साथ अगर एक्ने की प्रॉब्लम है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनको भी ख़त्म करेगा। अगर पिगमेंटेशन आनी शुरू हुई है, मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन है और आप एक बार यूज़ करोगे तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, बट अगर अभी शुरुआत है आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 से 6 बेनिफिट मैं आपको बताने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नारियल तेल और कपूर की। जी हाँ, आपने नारियल तेल और कपूर दोनों को अलग-अलग तो यूज़ किया ही होगा। मींस कोकोनट ऑयल हम फेस पैक बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर बालों को या स्किन पे मसाज देने के लिए भी यूज़ करते हैं। कपूर ज़्यादातर हम पूजा के कामों में यूज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 से 6 बेनिफिट इसके बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप कई सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कपूर की। ज़्यादातर हमारे घरों में ये आराम से मिल जाता है। नॉर्मली ये पूजा पाठ में ही यूज़ करने के लिए घर में लोग रखते हैं और इसके इतने ज़्यादा स्किन और बालों के लिए बेनिफिट है, एक बार आपको पता चलेगा तो आप इसको बार बार इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। कपूर में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और या अगर आपके स्किन में कोई पिंपल है तो उनको ड्राई आउट कर देता है, साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन आपको हो रखा है स्किन पे, हाथ पे, पैर पे, तो ये उसको भी ख़त्म कर देता है। और जो हम इसके साथ दूसरा मिक्स करने वाले हैं वो है कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आपकी स्किन में डैमेज है तो ये उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है, और बालों के लिए कितना अच्छा है ये सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको किस तरह से इन दोनों को मिक्स करना है और किस तरह का पैक हमको फेस के लिए बनाना है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, कपूर मार्केट में इस तरह की फॉर्म में आता है। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने 4 गोलियां ली थी और उसको अच्छी तरह से पीस लिया था। ये इस तरह की फॉर्म में आपको दिखेगा। अब हमको इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लूँगी। ये देखिए, इसको मिला लेना है। बस हमारा ये जादुई फॉर्मूला बनके तैयार है। आप चाहें तो इसको फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको बॉडी पे भी मसाज कर सकते हैं। ये स्किन पे ग्लो लाएगा और आपका रंग निखारेगा। अगर आपकी स्किन में एलर्जी हो रखी है, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। इसको लगा के 2 या 3 मिनट के लिए मसाज देना है और छोड़ देना है। आप पहली ही बार में डिफरेंस देखेंगे। जो दूसरा बेनिफिट इससे मिलने वाला वो ये है, अगर आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम है या उसे हटा देगा, और साथ ही साथ अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की शुरुआत है, तो आप इसको रात में फेस पे लगाइए, बहुत हल्के हाथों से मसाज दीजिए और रात भर फेस पे लगा रहने दीजिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगी। आप इसको एज ए फेस पैक भी लगा सकते हैं। इसको फेस पे लगा के कम से कम 1/2 आवर के लिए फेस पे रहने देंगे, उसके बाद गुनगुने पानी से फेस वॉश कर लेंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचनेस हो रही है या फिर डैंड्रफ हो गया है तो आप इससे अपने बालों में धीरे धीरे मसाज दीजिए, फिर देखेंगे आपका डैंड्रफ भी गायब हो जाएगा। और अगर फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बार बार आपके फेस पे पिंपल आ जाते हैं, तो ये फेस पैक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब मैंने जैसे आपको बताया, इसको लगा के 1/2 आवर के लिए छोड़ देना, उसके बाद गुनगुने पानी से इसको धुल लेना है। कई बार आपने देखा होगा हमारे नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर ये पैरों में देखा जाता है, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप इसको आज से ही लगाना शुरू करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन के यूज से आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को मिक्स करके इस तरह की फॉर्म में जब ये बन जाएगा तो आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और जब आपको टाइम हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इतनी सिंपल सी, इतनी सामान्य सी दिखने वाली चीज़ें इतने बड़े बड़े बेनिफिट देती हैं आपको, और इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं होता है। कोकोनट ऑयल हमारे यहाँ सबके यहाँ मिल जाता है, नॉर्मली सारे घरों में मिल जाता है। कपूर भी हमारे इंडियंस फैमिली में
हर जगह अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जो इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि अगर आपकी स्किन पे सन टैनिंग हो रखी है या सन टैनिंग कितनी भी ज़्यादा बुरी तरह से हो रखी हो, मीन्स आपकी स्किन अनइवन हो गई है या फिर स्किन थोड़ी सी ब्लैकिश हो गई है, आप इसका इस्तेमाल करिए, वो इवन टोन हो जाएगी और जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन है और कई चीज़ें, कई सारे प्रोडक्ट्स आपको सूट नहीं होते हैं, इचनेस शुरू हो जाती है या जलन शुरू हो जाती है, तो एक बार आप इसको इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा और जब आपको लगता है कि आपको सूट करेगा तो ही आप इस्तेमाल करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।